एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है. Losing sleep over the sort of the threat of AI danger, and then I finally sort of became fatalistic about it. Should we develop non-human minds smarter than our own, machines that might one day outnumber us? मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूँ और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है. हेलो फैमिली, वेलकम टू री व्लॉग. अंदर आ जाओ, बाहर क्या कर रहे हो? वेलकम जी, वेलकम, अपना ही घर है. वही वही वेलकम. फैमिली देखें, हमने आज एक चैलेंज रखा है हम तीनों के बीच में कि आज हम तीनों करेंगे वर्ल्ड टूर. जी है, और उसकी पिक्चर्स डालेंगे हम इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे. और जिन्होंने ये देख लिया उनको आज ये कुछ चीजें क्लियर होगी. लेकिन हमने घर की दहलीज के बाहर नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि पैसे इतने नहीं है कि हम वर्ल्ड टूर कर पाए, पर इतने है कि हम घर बैठे वर्ल्ड टूर कर ले. जी हाँ, हमने जो दिमाग आज लगाना है, आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि घर से बाहर नहीं जाना है. नहीं जाना है. फैमिली, हम जो वर्ल्ड टूर करने वाले हैं घर बैठे बैठे, ये बड़ा सिंपल है. फोटोज क्लिक करनी है. जी हाँ. और फिर हमने वो इंस्टाग्राम पे डालनी है. हैं, बस बस. और हम पकड़े नहीं जाएंगे. अरे पकड़े कैसे जाएंगे यार? क्यों? क्योंकि AI है हमारे पास. तुम कहाँ जाना चाहते हो? ग्रीस. हाँ, ये देखे, ये मुझे क्रिएटिविटी चाहिए. कैन आई गो टू द मून? You can go to the moon as well. But वहाँ पर हम पकड़े जाएंगे. वो चीज करने जिसमें पकड़े ना जाए. और अगर हमारी किसी भी इंस्टाग्राम फॉलोअर ने फोटो के नीचे कमेंट कर दिया इट्स फेक, तो हमारा ये AI हो जाएगा फेक. फेक रहे हैं. मैं अपनी जिंदगी की पूरी AI की नॉलेज लगा दूंगा. आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट AI फोटो. ये डूडी की परीक्षा है. यार डूडी, एक मिनट, आप अपने बीएड भी हटा सकते हो AI में? नहीं. सो फैमिली, मैं बहुत रेडी हूँ अपनी फोटो के लिए. और ऑब्वियसली मुझे फोटोज तो क्लिक कराना बहुत पसंद है. इसको कहा था मुंह पे लाइट ले, इसने पुलिस वाली लाइट लगा के मुंह पे ले ली. लाइटिंग रेडी करो, यार एक देखो, अभी इतना तो कर ही रहे हैं, मेरी वीडियो भी शूट कर देना यार, रील बना देना. ओ हेलो AI है, फोटो का AI आता है मुझे अभी. मैं कहता मैं अपने दूसरे अकाउंट से इसके नीचे लिख दूँ फेक. सो गाइस, अभी हम लोग तैयार है दीक्षा को ग्रीस पहुंचाने के लिए. लेकिन उसके लिए हमने जो दिमाग लगाया है, इट्स वेरी सिंपल. दीक्षा का एक पोज बनाएंगे और उसके ऊपर लाइट देंगे जो कि सूरज की लाइट हो. यानी कि दिमाग लगाना कि हम ये देखें, ये सूरज की लाइट है. अभी हम दीक्षा को लेके जा रहे हैं ग्रीस में. ग्रीस में येलो लाइट कब से आने लगी? बेटा धूप आ रही है. येलो लाइट मतलब हाँ, सनसेट हो रहा है. ताकि जो AI हमने यूज करना है वो समझ पाए कि ये जो लाइट है वो सूरज की ही है. समझी तू? नाइस नाइस. अच्छा रुको, स्ट्रेट लेना, मिड लेंथ लेना. स्ट्रेट लेना, मिड लेंथ लेना. इधर हेलो, स्ट्रेट करना, टिल्ट नहीं करना थोड़ा भी. उधर देख, उधर देख. यार ये कैसे, ये हम जाएंगे ग्रीस? बता, लाइट भी करा, फोटो क्लिक करा, हमारे पास आज क्रू कम है. यार देखो, हमें कब से जुड़ी क्रू की जरूरत पड़ गई है. क्रू की जरूरत पड़ गई. इतने देखो, एक हाथ से पकड़ा कैमरा, दूसरे हाथ से लाइटें से एडजस्ट कर रहा हूँ, तीसरे से उंगलियों से अपनी फोकस एडजस्ट कर रहा हूँ. संजय कोई बात नहीं, इट विल बी वर्थ इट. चल एक मिनट, सूरज दोनों तरफ से थोड़ा आता, तो एक तरफ बंद कर. तो आपने मुझे कहा यहाँ से लाइट दे? एक तो AI का पहले दिमाग लगाना बड़ा औखा. नेचुरल नेचुरल, तूने कभी देखा नहीं? वाओ कर. चल चल चल. तू थंबनेल दे रही है इसे फोटो खींचनी नहीं हो, खिंचवानी आती. थंबनेल थोड़ा चलो YouTube का. मेरे दिमाग में वाओ हो जाएगी. वाओ क्या डूड, हमने कहां फंस चुके हैं यार. दिमाग खराब हो गया. गाइस हमें काफी फोटोज मिली हैं, ये देखिए आपको दिखाते हैं. देखिए ये मिल गई है, ये फोटो के बीच में ही आई जा रहा है, क्या करूं. अच्छी तो आई है यार. ठीक है, अब हम काफी तो अब हम इसकी करते हैं AI. लेट्स गो, लेट्स ट्राई.
गाइस अब हम दीक्षा की फोटो को एडिट करने के लिए तैयार हैं। हम गए हैं फोटोशॉप में और फोटोशॉप में यूज करेंगे एआई जनरेटर और देखते हैं कि क्या दीक्षा ग्रीस पहुंच पाती है यार। यार आई होप बस प्लीज 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 भगवान जी अच्छी आए प्लीज। हम सीधे सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेंगे क्या तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ओह माय गॉड। अब आपने जाके इसको इन्वर्ट कर देना है तो वो सबको कर गया दीक्षा को नहीं किया सिलेक्ट। ओह माय गॉड। हमने जनरेट फील्ड पे क्लिक किया तो गाइस हम लोग लिखते हैं सैंटोरिनी सैंटोरिनी। रेडी? यस। ओह माय गॉड आई एम क्वाइट नर्वस। ओके हो रहा है। ओह वी वेट कर रहे हैं टाइम हो चुका है। ओके गाइस होने वाला है होने वाला है। रेडी? ओह ओह ये लगता है जैसे पुराने एक अंकल नहीं जो शादियों की वीडियो बनाया करते थे। रुको ये डाली लाइक नहीं ये सही इंस्टाग्राम पे डाले। चिंतपुर्णी क्या करने गए गाइस चिंतपुर्णी आ गई है मत्था टेकन। सो गाइस अब हमने लिए रिक्शा की ये वाली फोटो और इसको रिक्शा को थोड़ी छोटे करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लग रही है। अब हम इसको करेंगे ग्रीस। हाँ ग्रीस मुझे नहीं ग्रीस जाना स्ट्रीट मेरा मन उतर गया यो ब्रो लग रही है नहीं बहुत नकली लग रही हूँ यो यार गाइस क्या एआई ने काम किया है। अब देखे जादू अब मजा आ रहा कुछ खराब हो जाए अब देख तू क्या होगा यही फाइनल है। कोई सड़कों पे नहीं बैठता। अबे मैं बैठा हूँ यार इतना मजा आता है ग्रीस की सड़कों पे। मेरी फोटो भी है ये देखे वीजा लगवाना पड़े। वो यो यो ये अच्छा असंभव असंभव मांगने वाली लग रही है। यो यो यहाँ पे लिखते हैं बोल यहाँ पे लिखते हैं बोल वो तुम्हारी अंटा आ गया दिखता तो गाइस दीक्षा की फोटो फाइनल हो चुकी है। गाइस यहाँ पे हमने डॉग भी रखा है। जी हाँ देखते डॉग कितना क्यूट लग रहा है। तो फोटो बनी है। यो गाइस एआई ने काम कर दिखाया है। अब है बारी मेरी। गाइस मैं ना एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग फज को डूडी दिखाएंगे तो वो फोटो नकली लगेगी। हाँ सर इसका तो वीजा नहीं लगता ना। वाह क्यों नहीं लगता लगता है बट स्टिल फज को तो उठ जाओ बेटा मेरे को फोटो लेनी है उठ चलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ भाई की फोटो नहीं आ रही तुम्हें तुम पता टेंशन हो रही मुझे हट जाओ मैं बीच में लगा दूंगा अपनी फोटो बेटा हर जाना बेटा हर जा उठते चल जा उठते चल जा चलो बेटा जा बस चलो उठते चल जा उठते चल जा मतलब एआई ने छोड़ो फंच भी नहीं चाहता कि डूडी की फोटो अच्छी आए तू भाग जा उधर बेचारा फोटो आई हो मैं तंग हो गया हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई मेरी आत्मा निकाल के कोई मेरी फोटो क्लिक कर दे क्योंकि तुम सबको फोटो नहीं क्लिक करनी आती। Alright, so family, finally, हमें एक फोटो मिल चुकी है सो लेट्स सी कि ये भी AI क्या करता है क्या AI हगेगा या AI कामयाब होगा। बनी रहे इस एपिसोड में। Hopefully guys ये अच्छी फोटो आई हो अगर नहीं हुई तो I feel like सिर्फ family ये चैलेंज में ही जीत। सड़क भी बिल्कुल देखो कैसे कॉन्क्रीट कितना क्लियर यहाँ पे ये फालतू चीज हटा देते हैं क्योंकि ये फेक लग रहा है हटा दो। वाओ गाइस
थोड़ी बेइज्जती कम होगी। यहाँ पे पाम ट्रीज लगाए थे गाइस। हाँ जी। पालम ट्रीज। यार स्पेलिंग उनके पालम है PALAM। डूडी वो एल इज साइलेंट है। तो फिर वो अल्फाबेट वेस्ट क्यों कर रहे हो? फिर तो पाम होना चाहिए ना PAM। आप लेटर्स वेस्ट कर रहे हो यार। पालम। वाओ। ओ माय साहब। यार ये मेरी फोटो तो गंदी लगने लग गई। यो। एक्चुअली सो गुड। होली। गाइस कमेंट करें। मैं मून पे जाऊंगा। मैं चाहता हूँ एकदम जैसे पूरी बजरी बजरी होती है राइट, मून की पहाड़ बने होते हैं एंड मेरे इधर बाजू में एक जो मून के ऊपर जो रोवर्स नहीं जा रहे होते नासा के, वैसे एक रोवर होगा। मैं कैप्शन में लिख दूंगा, यो आई फाउंड विक्रम। तू ये फोटो बनवानी है? यस सर। जिसका कोई सेंस नहीं बना, बट ठीक है आ जाओ। चलो इसकी भी फोटो क्लिक करते हैं मून वाली। और एज यू नो कि मून के ऊपर सन की थोड़ी ना लाइट आएगी, सोलर एक्लिप्स चल रहा है। क्या बोला तूने? तो इसे हम यूज करेंगे मून की लाइट, दैट इज व्हाइट। हे भगवान, ये मेरी बहन है, मुझे माफ कर दे। मून के ऊपर सन की लाइट नहीं आती, हम यूज करेंगे मून की लाइट जो कि है व्हाइट। ओ भाई, मारो मुझे। सर नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और वो व्हाइट लाइट कहां से आई? मून की खुद की लाइट है। मून की लाइट पे जो सन की लाइट पड़ती है। जो भी मैं बोल रही हूं, हाउ कैन यू यूज सो डम। सबसे पहले लोग इस पे लिखेंगे फेक फोटो है। ओ, एक और आइडिया, मैं ऐसे करता हूँ, होने दे पेज का पकड़ के, विक्रम का सिग्नल ठीक कर रहा हूँ मैं थंबनेल वाला पोस्ट कर दूँ। ये संजय कहां से कॉन्सेप्ट ऐसे ढूंढता है, मुझे नहीं समझ में आती। सो फैमिली, आप देख सकते हो कि भैया ने मेरी फोटो फोटोशॉप पे ले आए। अभी भैया अपना एआई का यूनो मैजिक यूज करेंगे और मेरे को मून में लेके जाएंगे। डम लग रहा है ऐसी बातें करते हुए। डूडी संजय डुलुलु में जी रहे। संजय गाय डुलुलु सुलुलु लुलुलु में सब में जी रहे हैं। ओके ओके यार, ये साला मून पे लग ही नहीं रहा। ये मतलब क्या लग रहा है? वो देसी से बंदर ही अपनी फोटो एडिट करके डालते हैं। मेरे तो बाल के से डब्बे वाला शेप। ओके नाइस। अब हम यहाँ पे लगाते हैं अर्थ। इतना बड़ा अर्थ? देखो मैं थक। ओए अर्थ मुझे हो गया। अर्थ इस पैक कर रहा है। आपने गलत मून शेप कर तो दिए। रियल अर्थ लिखना पड़ेगा। रियल मैंने कुछ बनाया है, अब आपको दिखाते हैं। ओह माय गॉड, ये एआई का नहीं है, आपका कमाल है। आप एआई हो। वॉचिंग द व्लॉग। ऐसे क्रिएटिव आइडियाज अगर आपको हमारे पसंद आते हैं तो और बताइए। हमारे पास और एआई के जनरेटेड वीडियोस हैं, अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस आए तो कमेंट करके लिखें वी वांट एआई व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी फोटो प्लीज अच्छी आई है, प्लीज उसको बोलना सबसे बेस्ट है। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, आप इंस्टाग्राम पे जाके हम तीनों की फोटो में जिसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिले वो डिसाइड होगा कि कौन है विनर। तो जाकर मैंने तीनों के लिंक दिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके उस फोटो को लाइक करें, जिसको ज्यादा लाइक मिले वो होगा विजेता ऑफ दिस चैलेंज। और मैम भी मुझे फॉलो भी कर लेना प्लीज। अगर आप अभी भी देख रहे हो वो विक्रम को मैंने ही। और यार जा रहा है यार।